आप डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं क्या? आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर हो या बुध अशुभ स्थिति में हो तो कैसे आप जानेंगे? एक तो ऐसे आदमी के दांतों में पायरिया का रोग होगा और उसके मुंह से दुर्गंध आएगी। दूसरी बात ये जान लो कि ऐसे आदमी को कुछ न कुछ स्किन डिजीज जरूर होगी, चमड़े से जुड़ा कोई न कोई रोग जरूर होगा, और उसका मामा या तो मामा होगा नहीं, और अगर मामा होगा तो बहुत दुखी जीवन जी रहा होगा। इतने से आप समझ लेंगे कि आपका बुध खराब है कि अच्छा है। अगर खराब है तो अपनी दिनचर्या में आपको चाहिए कि सुबह उठने के बाद, बाथरूम से निकलने के बाद बाथरूम में ही टूथब्रश करने से बचिएगा, टॉयलेट जाने के दौरान ही ब्रश करिएगा, जो मतलब टॉयलेट जाने के बाद टूथब्रश करिएगा, पहले मत करिएगा। और लोगों से बात करते समय अगर हिचकिचाइएगा तो ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। बात करने में हिचकिचाता आदमी क्यों है? उसके पीछे कारण है आत्मबल का कमजोर होना, और आत्मबल का कारक ग्रह जो है वो है सूर्य। आत्मबल मजबूत तभी होता है जब कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, और बुध है बाणी का कारक। बाणी का कारक बुध अगर अशुभ स्थिति में है या बुध अस्त है तो ऐसे लड़के आर्टिज्म के शिकार होते हैं। अगर बुध सूर्य के बहुत नज़दीक है और बुध अस्त हुआ है तो ऐसे बच्चे जन्मजात आर्टिज्म के शिकार होते हैं, जो माता पिता के लिए बहुत ही चिंता का सबब है, जिसका मेडिकल साइंस में कोई 100% इलाज नहीं है। तो डेली सोने से पहले दूध में काजू और किशमिश डालकर रखिए और सुबह होने पर पी लीजिए। टॉयलेट जाते वक्त दांतों को आपस में मिलाकर रखें। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेगा, खासकर अपने पत्नी के साथ किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। समय पर नींद निकालना चाहिए और खाने के साथ नमकीन जरूर खाएं, पानी में नींबू डालकर पिएं, और छोटी कन्याओं का कभी अनादर ना करें। जय माँ विंध्यवासिनी।